इतने मैं बैंक च पैसे कढ़ाने वास्ते आया सी ATM राही कि अंदर दो बंदे आते हैं उन्होंने कार्ड कूड जो बदल के हिसाब ना मैंने तो धोखा दिता महा जी मेरे ना ठगी बजी है कि मैंने दसो मैं ATM अपना कार्ड बंद करा देव इस पहला कि मेरा नुकसान जिहड़ियां लेडीज़ अंदर बैंक कर्मचारी ने PNB के अंदर उतों उत्थे गए हैं वो इस गल ही बजिद रही हैं कि जिस बंदे का कार्ड हैगा वो कार्ड वाले खुद आने असी बंद करा असं बंद नहीं कर सकते अभी उन्होंने वास्ता पाया कि मेरी सिस्टर है जी वो पीड़ित हैगी पैरालिसिस रोग तो उन्होंने मैं लाया ना तुम चीज़ कर दो इस तो पहला कि मेरा नुकसान हो इन्होंने मेरी नहीं सुनी है जो उधरों स्नेह आने लगे मेरी सिस्टर के फोन से आने लगे भी 10 एक निकलिया फिर निकल गया 60,000 एक निकलिया 80,000 टोटल जो निकल लग गया उन्होंने फोन पर किया भी तुम 80,000 रुपये कढ़ा लिया मैं तो 20,000 कढ़ाने गया से असं उन्होंने दसिया भी साढ़े ठगी हुई है कार्ड बदल के गए हैं असं बैंक खड़े हाँ ये कार्ड को सीज नहीं कर रहे हैं इन्होंने दिखाया मेरी सिस्टर रो रही थी सामने और दोनों जड़िया बैंक कर्मचारी ने रौला पाने तो बाद इन्होंने सीज किया 1.54 लाख की मेरे सिस्टर के नाते थी वो 80,000 वो कढ़ा दे पंजाब भर में सरगर्म धोखेबाज गिरोह वालों बैंक च लेन देन लई आने वाले भोले भाले लोगों नाल आए दिन ठगियां वजण दीआं घटनावां सामने आउंदे रहिंदे ने अजिहा एक गिरोह समराला विच वी लगातार सरगर्म है ते कई लोगों नाल ठगी मार चुका है अज पंजाब नैशनल बैंक के ATM विचों पैसे कढ़वाउण लई आए एक व्यक्ति नाल इन्हां धोखेबाजां वालों बड़ी ही चलाकी नाल उसका ATM कार्ड बदल के ठगी मारी गई जदों तक इस व्यक्ति नूं उसका ATM कार्ड बदले जाण दा पता लग्गिया उदों तक उसके बैंक विचों 80,000 रुपए की रकम उड चुकी थी पिंड दयालपुरा निवासी ज्वाला सिंह ने दस्या कि वह अज सवेरे अपनी छोटी भैन के कार्ड विचों बैंक के ATM विचों अपनी भैन के 5,000 रुपए कढ़वाउण लई आया सी ज्वाला सिंह ने दोष लगाया कि ATM कार्ड बदले जाण दा शक हुंदे ही उसने तुरंत बैंक अंदर जाके ATM कार्ड ब्लॉक करन लई बथेरा रौला पाया पर कोई सुनवाई नहीं हुई इत्थे मैं बैंक च पैसे कढ़ाउण वास्ते आया सी ATM राही कि अंदर दो बंदे आउंदे ने उन्होंने कार्ड कूड़ जो बदल के हिसाब ना मैंने तो धोखा दिता तो कार्ड लेके निकल गए जो मैं कार्ड उन्हें जाने तो बाद कार्ड पाया अपना पैसे कढ़ाने वास्ते तो कार्ड ब्लॉक दिखाने लग गया मैं अंदर बैंक च गया नाल ही बैंक है पंजाब नैशनल बैंक समराला ब्रांच वो मैडम कहते भी यहाँ रविंद्र कौर का कार्ड ही है नहीं कार्ड किसी होर का पता नहीं मनीष करे सनी जिदा ना दसते हैं महा जी मेरे ना ठगी बजी है कि मैंने दसो मैं ATM अपना कार्ड बंद करा देव इस पहला कि मेरा नुकसान तो उन्होंने मैनू सामने भेजता जिहड़ियां लेडीज़ अंदर बैंक कर्मचारी ने PNB के अंदर उतों उत्थे गए हैं वो इस गल ही बजिद रही हैं कि जिस बंदे का कार्ड हैगा वो कार्ड वाले खुद आने असी बंद करा असं बंद नहीं कर सकते अभी उन्होंने वास्ता पाया कि मेरी सिस्टर है जी वो पीड़ित हैगी पैरालिसिस रोग तो उन्होंने मैं लाया ना तुम चीज़ कर दो इस तो पहला कि मेरा नुकसान हो इन्होंने मेरी नहीं सुनी है जदों उधरों स्नेह आने लगे मेरी सिस्टर के फोन पर आने लगे भी 10 एक निकलिया फिर निकल गया 60,000 एक निकलिया 80,000 टोटल जो निकल लग्या मेरी भैन ने मेरी सिस्टर मेरी नाल सी छोटी उन्होंने फोन पर किया भी तुम 80,000 रुपये कढ़ा लिया मैं तो 20,000 कढ़ाने गया से असं उन्होंने दसिया भी साढ़े ठगी हुई है कार्ड बदल के गए हैं असं बैंक च खड़े हाँ ये कार्ड को सीज नहीं कर रहे हैं बजिद ने और मैं मेरी भैन को लाइव होकर इन्हों दिखाया मेरी सिस्टर रो रही थी इन्हों सामने और दोनों जड़िया बैंक कर्मचारी ने रौला पाने तो बाद इन्होंने सीज किया इन्हों का यह खुद जिम्मेवार ने पंजाब नैशनल बैंक समराला ब्रांच टोटल अमाउंट कितनी सेफ रहेगी एक पॉइंट 54 लाख की मेरे सिस्टर के नाते थी वो 80,000 वो कढ़ा दे कोई उन्होंने पता लगे कौन सी वो शख्स जेडे तो ATM चेंज करके पैसे कढ़ा गए नहीं जी उन्होंने बारे कुछ नहीं पता पर जिन्ना का असी सीसी फुटेज मैनेजर तो कह के कढ़वाई है वो 10,000 एक निकलिया इतों खन्ना समराला ब्रांच तो एक बार एक 60,000 कढ़ाया उन्होंने खन्ने जाके तो किधर निकल गया अगों नहीं पता है यदि रिपोर्ट वगैरह जी मैं की है समराले थाने रिपोर्ट की है मौके पर इन्होंने जोड़ा सी ब्रांच हैगी है साइबर क्राइम उन्होंने भी की जी हूँ खन्ने जा रहा मैं खन्ने मिलेंगे जाके उन्होंने क्योंकि ये जो बैंक करके मेरा इन्ना नुकसान हो गया इन्हों का भी कुछ खबर ले लवे उधर दूजे पास बैंक मैनेजर ने दसिया कि बैंक के गाहक को खाते पैसे निकलने तो बाद इस ठगी का पता लग्या जदों तक उन्होंने को शिकायत पहुंची उस वेले तक 80,000 रुपये खाते निकल चुके सन एक्चुअली मैं ATM बाहर की साइड में लगा है वहाँ पे सुबह कोई बुजुर्ग थे लगभग 11 बजे की समथिंग की बात है वो ATM से विड्रॉ करवा रहे थे पीछे से 3 लोग आए थे बुजुर्ग ने उनसे हेल्प मांगी थी विड्रॉ करने की और उन्होंने मतलब अपना ATM कार्ड एक्सचेंज किया और 5,000 रुपये उनको विड्रॉ भी करवा दिए थे बाकी कार्ड एक्सचेंज करने के बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए थे और उन्होंने 80,000 रुपये उनके अकाउंट से अलग अलग टाइप से ट्रांजैक्शन करके निकाल लिए जब कंप्लेंट वगैरह दी उन्होंने आपको
हाँ, जब कस्टमर के पास डेबिट के मैसेज आए तो कस्टमर ने तुरंत ब्रांच में आके पता किया, तो पता चला कि किसी ने उनके साथ फ्रॉड किया है। हमने उनकी कंप्लेंट लेके उनका एटीएम कार्ड तुरंत में ब्लॉक कर दिया था। बाकी सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 3 लोग एटीएम में उनके साथ अंदर घुसे थे और एटीएम एक्सचेंज करके उनके साथ में मतलब फ्रॉड किया है। इसकी जानकारी पुलिस को दी है? इसकी जानकारी कस्टमर खुद ने पुलिस को दी है। पुलिस वाले भी मेरे पास आए थे, उनको हमने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया और ऐसे मेरे पास इसी मंथ में 3rd घटना हो गई। इस ठगी के मामले में शिकायत मिलते ही डीएसपी समराला दरियाम सिंह ने थाना एसएचओ को मामला जल्दी हल करने लिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने की कार्रवाई करने के हुक्म दे दिए ने। इन्हें ना थोड़ी देर पहले ही कंप्लेंट आई है मेरे को। इन्हें मैटर यह है कि ज्वाला सिंह ना अपनी भैन का पंजाब नैशनल बैंक का एटीएम लेके आया सी। उन्हें कुछ पैसे कढ़ाने से 5000 ही बैंक एटीएम चो निकलिया। तो इन मेन टाइम एक बंदा पिछों होर आया, उन्हें ज्वाला सिंह घराने उन्हें गल कर ली कि पैसे बैंक चो नहीं निकलते एटीएम चो। वो कहिंदा मैं देखता हूँ चरण दो मुंडे होर आए। इन दी मेन टाइम उन्होंने ज्वाला सिंह का जिहड़ा उनकी सिस्टर का एटीएम सी वो चेंज करता। चेंज करके वो एटीएम उन्हें दे के कह के तुर गए कि इन्हें चो नहीं निकलते। वो ज्वाला सिंह मुड़ गया, वो इतों जाके तो खन्ने तो तकरीबन 80,000 रुपया उन्होंने जिहड़ा कढ़वा लिया। जदों इहदा मैसेज इन्हां नूं आया तो इन्होंने अपना अकाउंट तो बंद करवा दिता एटीएम वाला, लेकिन वो दरखास्त होने आई है। एसएचओ नूं जिहड़ी डायरैक्शन दे दित्ती है कि इत्थों सीसीटीवी दी फुटेज और जित्थों उन्होंने मनी चेंजर तो कैश करवाए पैसे खन्ने तो उत्थों उन्हां दी सीसीटीवी फुटेज ते रिकॉर्ड लैके इहनूं जल्दी ट्रेस करन दी कोशिश कर रहे। बिल्कुल ये जे करिए तो ये बैंक वाले ऑनलाइन फ्रॉड के पैसे देंगे है, इन्हां चीज़ों के नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने आप एटीएम दिता हों। जदों के वक् वक् असी भी मीटिंगा करके बैंक वाले भी रोज़ सोशल मीडिया से भी आदि ने भी इदा अपना एटीएम किसी को ना दो, लेकिन फिर भी बचो। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बनके, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोग। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।